हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो और एक नए लैपटॉप के साथ। आज हम लेके आए हैं एचपी पवेलियन प्लस EY0789AU। काफी डिमांड आ रही थी इस लैपटॉप की वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हमने पवेलियन प्लस के पहले भी बनाए हैं 1H1082 और FC0082। हमने काफी वीडियो बनाई, लेकिन Ryzen में पवेलियन प्लस की हमने एक भी नहीं बनाई थी। आज हम आपके लिए ये लैपटॉप अनबॉक्स करेंगे, इसका बैक पैनल भी आपको ओपन करके दिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये लैपटॉप हमें मिला है दिल्ली के अंदर करोल बाग में ओमेन प्लेग्राउंड यानी कि एचपी वर्ल्ड से, जहां पे आपको एचपी के मोस्टली सारे लैपटॉप मिल जाते हैं एक अच्छी प्राइसेस पे, एक अच्छे ऑफर्स के साथ। अगर आप एचपी का लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं तो एक बार यहां पे जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा। हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं और काफी, और 3-4 एचपी वर्ल्ड के भी नंबर दे रखे हैं, आप कहीं पे भी कॉल करके रेट ले सकते हैं। काफी हमने सर्च करने के बाद ये नंबर नीचे डाले हैं। और जो दोस्त पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा लैपटॉप मास्टर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, करते हैं लैपटॉप को अनबॉक्स। तो दोस्तों लैपटॉप हमने अनबॉक्स कर लिया है। जैसे कि हर लैपटॉप में हमें पावर कोड मिलती है, पावर एडेप्टर बहुत लाइट, जैसे लैपटॉप बहुत लाइट है वैसे ही पावर एडेप्टर भी काफी लाइट है। 65 वॉट का टाइप सी पावर एडेप्टर है। टाइप सी का हमेशा बेनिफिट होता है, लैपटॉप आपका बड़ा फास्ट चार्ज होता है। तो ये है हमारा लैपटॉप। जी हाँ, बहुत ही लाइट वेट लैपटॉप है 14 इंचेस ने जो एचपी ने अपने पवेलियन प्लस में दिया है। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो मेटल बॉडी में है लैपटॉप। वेट की बात करूं तो 1.38 केजी का ये लैपटॉप है। अगर आप स्लीकनेस की बात करें तो देखिए चारों तरफ से बहुत ही ज्यादा स्लीक लैपटॉप है जो एचपी ने बनाया है। बैक आपको देखने में मोस्टली एचपी के लैपटॉप की सेम ही लगती है। यहाँ आपकी रबर स्ट्रिप्स है, ये आपका वेंटिलेशन। तो दोस्तों एक हाथ से ओपन करने की कोशिश करते हैं, लैपटॉप ओपन होता है या नहीं होता। एक हाथ से लैपटॉप ओपन नहीं होगा, आपको दोनों हाथ यूज करने पड़ेंगे। दोस्तों पवेलियन प्लस के अंदर एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है, पूरी मेटल बॉडी आपको मिलती है और कॉन्फिगरेशन आपको इसकी काफी अच्छी मिलती है। इस लैपटॉप की हम कॉन्फिगरेशन देखेंगे और लैपटॉप के पोर्ट्स देखते हैं, उसके बाद लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करके आपको दिखाएंगे। पोर्ट्स की बात करें तो राइट हैंड साइड में लैपटॉप के आपको दो पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। पहला पोर्ट है 3.5 mm का ऑडियो जैक, दूसरा पोर्ट आपको मिलेगा USB टाइप ए 10 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ। लैपटॉप के लेफ्ट साइड में आपको 4 पोर्ट देखने को मिलते हैं। पहला पोर्ट आपको मिलता है USB टाइप ए 10 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ, दूसरा आपको मिलेगा HDMI 2.1, फिर दो आपको मिलते हैं USB टाइप सी 10 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ। इसमें आप लैपटॉप को चार्जिंग भी आप इसी से कर सकते हैं। दोस्तों लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम देखेंगे तो AMD Ryzen 7840 with Radeon Graphics 780M graphics, dedicated graphics नहीं है, inbuilt graphics है, जिसकी स्पीड बेस स्पीड 3.3 GHz है और मैक्सिमम स्पीड अगर हम टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये लैपटॉप प्रोसेसर आता है 5.1 GHz है। कोर्स की बात करें 8 कोर्स है, लॉजिकल प्रोसेसर 16 है और L3 कैशे की बात करेंगे तो 16 MB का L3 कैशे है। ये प्रोसेसर AI enabled है, फुल्ली AI हम ये नहीं कहेंगे कि ये ANPU के साथ आता है। जो 8000 आपका प्रोसेसर आता है जो 8000 सीरीज में, वो AI NPU के साथ है। ये 7840 AI enabled है। अगर हम इसकी AI की बात करेंगे तो मैक्सिमम 10 टॉप्स तक की इसकी स्पीड जाती है। देखिए AMD जो अपने AI NPU को काउंट करता है वो टॉप्स में काउंट करता है, यानी कि ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड। हम ये कह सकते हैं ये लैपटॉप 10 ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड तक वर्क कर सकता है जब आप कोपायलट एज ए यूज कर रहे हो। अगर हम बात करेंगे कोर्स की, हमेशा याद रखिएगा मैं ये कहता हूं ये i7 से बेटर Ryzen 7 को अगर मैं रखता हूं प्रोसेसर में। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि वो 14 कोर का प्रोसेसर आता है और 16 कोर का, 10 कोर का, और आप 8 कोर के प्रोसेसर को आप बेटर बताते हो। मैं अपनी हर वीडियो में ये क्लियर पे जरूर करता हूं, इंटेल अपने प्रोसेसर के अंदर अलग अलग कैटेगरी डिफरेंशिएट करता है, परफॉर्मेंस कोर, एफिशिएंट कोर, लो पावर एफिशिएंट कोर। अगर 14 कोर का प्रोसेसर है जो अल्ट्रा प्रोसेस में भी आया है 155H पे, तो उसमें 4 कोर ही सिर्फ परफॉर्मेंस कोर होते हैं, यानी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ 4 कोर्स के लिए होती है। 8 कोर्स के लिए आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मोस्टली 3.6 GHz तक रहती है इंटेल के प्रोसेसर में। इसमें 8 के 8 कोर्स की मैक्सिमम पावर फ्रीक्वेंसी 5 GHz ही रहेगी। और अगर हम बात करें नैनोमीटर की, तो ये 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर है। जितने नैनोमीटर कम होते चले जाएंगे उतने प्रोसेसर की परफॉर्मेंस बढ़ती चली जाएगी। इंटेल का जो प्रोसेसर आते हैं मोस्टली सारे 10 नैनोमीटर में आते हैं। हाल ही में लॉन्च किए थे 7 नैनोमीटर के, लेकिन AMD
4 नैनोमीटर का प्रोसेसर दे रहा है इसमें। मेमोरी की बात करेंगे तो 16 GB DDR5X आपको इसमें मिलती है, जिसकी स्पीड 6400 MHz है। रैम अपग्रेड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करके आपको दिखाएंगे। सैमसंग की इसमें SSD लगी हुई है, Gen 4 1TB SSD है, जिसकी कैपेसिटी आपको 954 GB मिलती है वर्किंग के लिए। ग्राफिक्स AMD Radeon 780M ग्राफिक्स इसमें आपको मिलता है, जिसकी डेडिकेटेड GPU 448MB, शेयर 7.7, टोटल 8.1 GB। ये मैं आपको बता दूं, हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं, AMD अपने हर प्रोसेसर के साथ डेडिकेटेड ग्राफिक्स मेमोरी देता है, किसी में 512 होती है, किसी में 2 GB होती है। इसमें मोस्टली लैपटॉप मोस्टली प्रोसेसर में आपको 512 मिलेगी, इसमें आपका वही 448MB आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स मेमोरी मिलती है, जो आपकी एडिटिंग वगैरह में फोटोशॉप पेज मेकर में आपकी हेल्प करते हैं। अभी हम जो वॉइस सुन रहे थे कॉन्फ़िगरेशन के समय, वो वॉइस हमने लैपटॉप के ही माइक से रिकॉर्ड करी थी, जिससे माइक की क्लैरिटी भी हम आपको बता सके। HP इस पे 14 इंच का 2.8K जिसका रेजोल्यूशन 2880x1800 मिलता है, ऑलिड डिस्प्ले मिलता है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो वेरिएबल रिफ्रेश रेट है 48 to 120 Hz, आपको इसका रिफ्रेश रेट मिलेगा। 0.2 ms रिस्पांस टाइम है, माइक्रो एच डिस्प्ले है, ब्राइट व्यू है, लो ब्लू लाइट। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो HDR 400 और HDR 500 आपको इसमें मिलेगा, sRGB 100% आपको इसमें मिलता है। इसमें आपको वाइट विजन 5 MP IR कैमरा मिलता है, विद टेंपल नॉइस रिडक्शन और इंटीग्रेटेड डुअल एरे डिजिटल माइक्रोफोन्स के साथ। कीबोर्ड की बात करें तो इसमें आपको फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड आपको मिलता है। देखिए इसका जो माइक है, जो कंपनी क्लेम करती है कि नॉइस रिडक्शन के साथ आता है, इसीलिए हम जितने भी पवेलियन प्लस लैपटॉप है जो भी क्लेम करते हैं नॉइस रिडक्शन के साथ, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उसका नॉइस कैंसिलेशन भी टेस्ट करें। अभी हमने अपनी वॉइस इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं और साथ में बैकग्राउंड में म्यूजिक भी अच्छी वॉइस में चल रहा है, तो हम ये देखेंगे कितना नॉइस कैंसिलेशन हुआ। अब हमने बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कर दिया है, आपको अब डिफरेंस पता चल गया होगा कि जब हम पहले बात कर रहे थे तो कितना था। अब हम आते हैं रिकॉर्डिंग हमने जो करी थी इसमें, उसमें नॉइस कैंसिलेशन हमारा कितना हुआ है। देखिए इसका जो माइक है, जो कंपनी क्लेम करती है कि नॉइस रिडक्शन के साथ आता है, इसीलिए हम जितने भी पवेलियन प्लस लैपटॉप है जो भी क्लेम करते हैं नॉइस रिडक्शन के साथ, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उसका। तो दोस्तों आपने देखा कि लैपटॉप ने कंप्लीटली जो बैकग्राउंड म्यूजिक था, बैकग्राउंड जो भी नॉइस थी, वो कैंसिल कर दी है। ये उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है जो घर से मीटिंग अटेंड करते हैं या लेक्चर देते हैं। मतलब आप बैकग्राउंड म्यूजिक की बिल्कुल भी चिंता मत करिए, बाहर क्या शोर हो रहा है, सामने वाले के पास सिर्फ ये सिर्फ आपकी ही वॉइस जाएगी इस लैपटॉप में। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करके आपको दिखाते हैं। देखिए लैपटॉप तो हमने अनबॉक्स कर लिया है, आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा दो फैन और ये अजीब सा कैसा फैन है, लेकिन ये बता दूं इसमें स्पेस था, क्योंकि हमने पहले भी एक लैपटॉप की वीडियो अनबॉक्स करी थी पवेलियन प्लस की, जिसके अंदर एच प्रोसेसर था और डुअल फैन था। अगर हम देखेंगे तो वही चेजीज के अंदर, उसी बॉडी के अंदर ये मशीन भी फिक्स है, तो इसीलिए स्पेस के लिए एक डमी फैन नहीं है, एक डमी उन्होंने लगा रखी है। ये ना फैन है ना कुछ, कूलिंग नहीं करेगा। सिंगल फैन के साथ ये लैपटॉप आपको मिलता है, कूलिंग यहाँ प्रोसेसर लगा हुआ है, हीट सिंक के थ्रू कनेक्टेड है। अगर हम रैम की बात करेंगे तो इनबिल्ट रैम है, यानी सोल्डर रैम है, इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते ना ही अपग्रेड कर सकते। यहाँ पे देखिए यहाँ SSD लगी हुई है, SSD जरूर आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी 1TB SSD है तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये अगर अपग्रेड होगी तो 2TB की लगेगी, 2TB में बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आपको देखने को मिलेगी, इसलिए आप SSD भी आप भूल जाइए, अपग्रेड नहीं होगी। यहाँ आपको Wi-Fi 6E मिलेगा और Bluetooth 5.3, 4 सेल की आपको बैटरी मिलती है इसमें 68 वर्क आवर्स के साथ। बैकअप की बात करेंगे तो अप्रॉक्सिमेटली 8 to 10 आवर्स आपको बैकअप मिल जाएगा, बाकी डिपेंड करेगा, बैटरी बैकअप हमेशा डिपेंड करता है आपके वर्क पे आप क्या काम कर रहे हैं। यहां पे आपको 2 स्पीकर देखने को मिलते हैं जो HP ने इसमें आपको दिए हैं, और आप देखिए बोर्ड बहुत छोटा है। और इनबिल्ट अगर हम इन शॉर्ट बात करेंगे तो आप लैपटॉप में कुछ अपग्रेड नहीं कर सकते, वैसे ही ऑलरेडी काफी पावरफुल लैपटॉप है 1TB SSD और 16GB के साथ HP ने इसको दिया है आपको। दोस्तों आज हमने अनबॉक्स किया HP Pavilion Plus EY0789AU। देखिए 7000 सीरीज Ryzen 7 के अंदर ये प्रोसेसर है जो AI enabled है, 16GB RAM, 1TB SSD और स्क्रीन, जी हाँ ऑलिड स्क्रीन के साथ। ये लैपटॉप थिन एंड लाइट लैपटॉप की सीरीज में आता है, 14 इंच का लैपटॉप, काफी लाइट वेट, 1.38 kg का लैपटॉप है। देखिए अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो Ryzen 7 में जो 7000 सीरीज के प्रोसेसर है बहुत ही फास्ट प्रोसेसर होते हैं। अगर हम इसके ओवरऑल व्यू में देखें, पहले हम आपको प्राइसिंग का बताते हैं क्योंकि प्राइसिंग के साथ ज्यादा ईजी हो जाएगा इसको कंपेयर करना। देखिए HP ने इसकी प्राइसिंग 77000 की रखी हुई है, मार्केट में आपको 2000-4000 रुपए नीचे लैपटॉप
मिल जाएगा। देखिए 7000 सीरीज 77000 के अंदर अगर आप कोई भी लैपटॉप थिन एंड लाइट में सर्च कर रहे हैं जिनका बजट 80000 तक है तो उनके लिए ये लैपटॉप बहुत ही परफेक्ट है, जिसमें आपको ओलेड स्क्रीन भी मिलती है, 1 TB की SSD भी मिलती है, AI enabled प्रोसेसर है और 16 GB रैम, लाइट वेट, बेस्ट चॉइस है अगर आप इस रेंज में लैपटॉप देख रहे हैं। iMac Enhanced टेक्नोलॉजी के साथ ये लैपटॉप HP ने लॉन्च किया है। HP इसके साथ 1 ईयर ऑन साइट वारंटी आपको देता है, लेकिन मैं आपको हमेशा यही कहूंगा जब भी आप वो लैपटॉप लें जो स्क्रीन या तो टच स्क्रीन है या ओलेड स्क्रीन है, तो हमेशा आप उसके साथ एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन हमेशा लीजिएगा, जिससे अगर आपकी स्क्रीन डैमेज भी हो जाए तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस हो जाए। जी हाँ, हर कंपनी किसी भी ब्रांड का आप लैपटॉप लेने जाएंगे, डेल, HP, ASUS, Lenovo, तो हर कंपनी हर ब्रांड अपने लैपटॉप के साथ आपको ऑफर देता है एक्सटेंडेड वारंटी भी और एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन भी। जब भी आप एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन या एक्सटेंडेड वारंटी लें तो हमेशा उसी ब्रांड की लीजिएगा, थर्ड पार्टी बिल्कुल मत लीजिएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। मोस्टली आपको वारंटी अगर बहुत प्रीमियम लैपटॉप है जैसे HP में स्पेक्टर या ओमेन आते हैं तो उनकी 8000 और 10000 के आसपास होती है 3 ईयर्स की, और बाकी पवेलियन लैपटॉप्स की मोस्टली 5000 तक आपको वारंटी अपग्रेड हो जाती है 3 ईयर्स तक। और मार्केट में लोग मैंने देखा है काफी बड़े बड़े रिटेलर्स 12,000 to 13,000 लेते हैं और वो भी आपको वारंटी नहीं मिलती। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा जब भी आप वारंटी एक्सटेंड कराएं तो उसी ब्रांड की कराएं जिस ब्रांड से आप लैपटॉप ले रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, अगर पसंद आ गई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो दोस्त हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं या पहली बार है जिन्होंने अभी तक हमारा लैपटॉप मास्टर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आगे आने वाली नई नई वीडियो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में नए लैपटॉप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।